तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो लॉकस्ट अटैक जो हो रही है इंडिया में हाल ही दिनों में। तो आप लोग को अक्सर न्यूज में या न्यूज़पेपर में आप लोग डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। तो लॉकस्ट अटैक यानी कि लॉकस्ट ये जो होता है इसको डेजर्ट लॉकस्ट या फिर हिंदी में जो है टिड्डी भी बोला जाता है। तो इसका जो एक अटैक जो हो रहा है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से लेकर सेंट्रल पार्ट तक जो ईस्टर्न साइड में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें इस वीडियो में आज हम लोकस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी जो माइग्रेशन क्यों होती है यहाँ पे और अलग अलग गवर्नमेंट यहाँ पे इससे जूझने के लिए क्या स्टेप्स उठा रही है, इसका जो इफेक्ट जो है देश की इकोनॉमी पे कैसा पड़ता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है, तो इसमें आप मार्च और अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन उसका जो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। नीचे उसके लिंक्स मैंने दे दिए हैं और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डेजर्ट लॉकस्ट जो इसको बोला जाता है इंडिया की जनरली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक यहाँ पे ये फैल चुका है। तो ये ऐसा बोला जा रहा है कि ये थ्रू पाकिस्तान यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे मेनली जो भी क्रॉप से यहाँ पे जो भी फसल है जो ग्रीन फसल को यहाँ पे खा के इसको मेनली इसको तबाह कर रहती है। तो यहाँ पे 2019 में ये एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि थ्रू ईरान ये पाकिस्तान तक आया है, पाकिस्तान से राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश यानी कि सेंट्रल इंडिया तक भी यहाँ पे पहुंच चुका है। तो इसका जो यहाँ पे अगर देखने को मिलता है कि अलग अलग जगह जो है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र यहाँ तक भी यहाँ पहुंच रहा है। तो ये जो है जो टिड्डी जिसको बोला जाता है पिछले 3 दशकों में वन ऑफ द हैवीएस्ट जो है अटैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ड्रोन्स की भी यहाँ पे मदद लेनी चाहिए ताकि जो भी यहाँ पे स्प्रे जो है स्प्रे को छोड़ने से पहले राजस्थान में अलग अलग जगह पे यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। तो अगर हम लोग मैप में देखेंगे कहाँ कहाँ ज्यादातर स्प्रेड हो रहा है तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो देख सकते हैं आप राजस्थान के एरिया में यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी इफेक्ट देखने को मिल सकता है, हरियाणा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे उत्तराखंड, इवन तेलंगाना तक भी यहाँ पे ये जो है इसका इफेक्ट पहुंच चुका है। तो अलग अलग गवर्नमेंट इससे जूझने के लिए अलग अलग यहाँ पे स्ट्रेटजी भी अपना रहे। तो लॉकस्ट के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है एक ग्रास हॉपर फैमिली की ही एक यहाँ पे स्पीसीज होती है जिसकी लाइफ साइकिल होती है लगभग 90 डेज की। तो इसी दौरान ये जो है यहाँ पे ब्रीडिंग भी करती है। तो मेन अगर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो डेजर्ट लॉकस्ट जो होते हैं ये मेनली जो ग्रास हॉपर फैमिली से आती है और इसका साइंटिफिक नेम है सिस्टोशेरा ग्रेगेरिया। तो नॉर्मली ये क्या होती है कि जो सेमी एरिड या फिर जो डेजर्ट रीजन्स में जो होती है रेगिस्तान जगह ऐसे जगह पे वहाँ पे उन लोग ब्रीडिंग जो है पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा डेंस वेजिटेशन वाली जगह उन लोग को नहीं चाहिए होता है, इसीलिए राजस्थान जो है एक बहुत ही जो सूखा एरिया उन लोग को पसंद होता है। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में इतना देखने को नहीं मिलता या फिर गोदावरी या कावेरी डेल्टा में इतना देखने को नहीं मिलता है। तो एक चीज़ यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि जो लोकस्ट का एक झुंड होता है जो स्वर्म होता है इसमें लगभग 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ से भी ज्यादा लोकस्ट जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में पाया सकते हैं। यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का अगर आप लोग एक स्क्वायर बनाएंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर तो इसमें 15 करोड़ तक लोकस्ट यहां पे जो है मौजूद रह सकते हैं। तो इतने लोकस्ट जो है तो उन लोग क्या कर सकते हैं कि एक दिन में 35,000 लोग जितना उन लोग को फूड चाहिए ये फूड उन लोग एक ही टाइम में तबाह कर सकते हैं, क्रॉप्स तबाह कर सकते हैं। तो अभी देखिए बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से इंडिया के यहाँ पे एग्रीकल्चर में, इंडिया की इकोनॉमी पे कैसा इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे ऐसा ही एक अटैक जो है तबाह कर सकती है भारत की इकोनॉमी को यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो है मेनली हाई टेम्परेचर जो है यहाँ पे उन लोग को पसंद है, ग्रेजुअली टेम्परेचर जैसी इंक्रीज होती रहती है यहाँ पे उन लोग की जो माइग्रेशन भी देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे माइग्रेशन ऑफ जो लोकस्ट है तो मेनली जो सूखे या फिर गर्म एरियाज में जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यमन, ओमान, साउदर्न ईरान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में काफी देखने को मिलता है इनकी ब्रीडिंग्स। तो यहाँ पे जो है स्प्रिंग टाइम में जनरली ब्रीडिंग उन लोग की होती है जो लोकस की जो होती है। तो ग्रेजुअली यहाँ पे
जो वेस्टर्न राजस्थान से आके ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक भी यहाँ पे ये फैल चुका है। तो यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ये भी बोला है कि ये जो है ग्रेजुअली इसकी जो यहाँ जो इफेक्ट जो होगी काफी लंबी तक होगी और जुलाई महीने तक भी देखा जा सकता है। और इनफैक्ट इसका जो यहाँ पे जो है माइग्रेशन इनफैक्ट बिहार और उड़ीसा तक भी पहुंच सकता है। तो यहाँ पे ये बोला है कि आफ्टर जुलाई जो है यहाँ पे वेस्टवर्ड मूवमेंट यानी कि ईस्टवर्ड मूवमेंट अभी ग्रेजुअली हो रही है, फिर ग्रेजुअली वेस्टवर्ड मूवमेंट होगी यहाँ पे। तो राजस्थान में फिर से यहाँ पे बैक करके यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून के बाद से यहाँ पे तो ग्रेजुअली इसका इफेक्ट कम हो जाएगी क्योंकि मानसून ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा। तो इसके लिए जो है अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है अलग अलग मिनिस्ट्री यहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट्स ले रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, देन स्टेट गवर्नमेंट्स हो या फिर फार्मर्स हो अलग अलग तरीके से इसके मेजरमेंट्स के लिए सोच रही है। तो तेलंगाना में अगर देखेंगे एक 5 मेंबर की कमिटी जो है अपॉइंट किया गया है ताकि लोकस्ट के यहाँ पे मूवमेंट को नजर किया जा सके और इसके हिसाब से जो प्रिवेंशन भी उसके ये व्यवस्था किया जा सके। देन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फायर इंजन, जेट मशीन्स या फिर पेस्टिसाइड्स भी मौजूद करके रखा हुआ है ताकि इसकी जो यहाँ पे स्प्रे को यहाँ पे कंट्रोल करके इसकी जो पॉपुलेशन को खत्म किया जा सके, तो इसका इफेक्ट क्रॉप्स पे ताकि ना पड़े। और देन उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स भी सेटअप किया है ताकि लोकस्ट के कंट्रोल ऑपरेशंस को यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो देखिए अभी जो है अलग अलग जो सीजन जो है जो यहाँ पे जो प्लांटिंग सीजन अलग अलग स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसके टाइम में ये लोकस्ट का जो अटैक होती है बहुत ही खतरनाक हो सकती है, देश की इकोनॉमी को यहाँ पे एग्रीकल्चर को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे लोगों को यहाँ पे जो है मेन प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। तो यह था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग लोकस्ट अटैक इन इंडिया। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है। और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।